जैसे तैसे करके वीडियो बना लिया, पर असल में ये वो हैं जो करते हैं तंबाकू खा के बंदी को चुम्बन, फालतू के एसी प्रद्युमन। क्या शाबाश बेटा। सो वेलकम बैक गाइस इन दिस OCC बूटकैंप, ऑनलाइन कोर्स क्रिएशन बूटकैंप, जहां आप सीख रहे हो हाउ यू कैन क्रिएट योर ओन ऑनलाइन कोर्सेज बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। तो अगर आपने बाकी के वीडियोस को नहीं देखा, क्योंकि 4 वीडियोस ऑलरेडी बन चुके हैं, तो उस पूरे प्लेलिस्ट का लिंक मैं ऊपर आई बटन और नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहां से जाके आप देख सकते हो इस कोर्स को स्टेप बाय स्टेप। ठीक है, सो आई नो जैसे तैसे करके आपने वीडियोस तो बना लिए, एक दो महीना लगा करके वीडियोस बनाया, मेहनत करी आपने, वीडियोस आपका बन चुका है, अब क्या? तो नेक्स्ट स्टेप ये आता है कि वीडियोस अगर आपके बन चुके हैं, वीडियो इज नॉट जस्ट योर वीडियोस, वीडियोस इज योर प्रोडक्ट। तो वीडियोस आपका बन चुका है, अब क्या करना है? तो वीडियोस बनने के बाद क्या होता है ना, आपको किसी ना किसी प्लेटफॉर्म का यूज़ करके वहाँ पर होस्ट करना होता है। जैसे कि मान लो यूट्यूब है, तो यूट्यूब पे मैं यहाँ पर फ्री में डाल रहा हूँ, फ्री ये भी एक कोर्स चल रहा है बट फ्री है बिल्कुल, तो यहाँ पर मैं फ्री में आप उसको अपलोड कर सकता हूँ। बट कुछ प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बिकॉज वहाँ से आप एक बिजनेस बना रहे हो, तो प्लेटफॉर्म्स होते हैं, बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, यहाँ पर वहाँ पर जाकर अपने वीडियोज़ को एज ए कोर्स के फॉर्म में अपलोड करोगे, उसके बाद अपने स्टूडेंट को वहाँ पर भेजोगे, वो लोग लॉगिन करेंगे, देन उसके बाद सीखेंगे वो लोग वहाँ से। ठीक है, तो ये स्टेप होता है बेसिकली सॉफ्टवेयर। जैसे मैंने आपको बताया बहुत सारे सॉफ्टवेयर अवेलेबल है मार्केट में, तो कौन सा वाला यूज़ करें, कौन सा वाला सबसे ज़्यादा बेस्ट है? तो बेस्ट की बात करूँ तो बहुत सारे बेस्ट हैं, सारे बेस्ट ही होते हैं, बट कुछ मेजर जो बेनिफिट्स होते हैं, कुछ प्राइसिंग का देखना होता है, सारे चीज़ें देख करके मैंने आपके लिए लेकर आया, जो कि नोरिश नाम है इसका, बहुत ही अच्छा है। काफ़ी सारी चीज़ें मैंने सब कुछ ट्राई कर लिया इसका, बहुत ही अच्छा है। 14 डेज़ का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, वहाँ पे आप चेकआउट कर सकते हो, ट्राई कर सकते हो। तो इस वीडियो में हम समझने वाले हैं कि इसके फीचर्स क्या है, इसकी प्राइसिंग क्या है और किस तरीके से इसका पूरा डैशबोर्ड काम करता है। जैसे कि मैंने हर एक वीडियो में आपसे बोला है, वीडियो ना लंबी हो जाएगी, वीडियो लंबी हो सकती है लेकिन आपको वीडियो में वैल्यू जो है ना पूरी मिलने वाली, मेरी गारंटी है। ठीक है, तो इन तीनों चीज़ों को समझने के लिए हम चलते हैं अपने लैपटॉप के स्क्रीन पर, देन आपको वहाँ पे मैं स्टेप बाय स्टेप करके दिखाता हूँ, सब कुछ वहाँ पे दिखाता हूँ, क्या इनके प्राइसिंग है, क्या इनके फीचर्स हैं, किस तरीके से पूरा डैशबोर्ड काम करता है नोरिश का। ठीक है, तो चलो फिर अब हम इस वीडियो को यहाँ से स्टार्ट करते हैं। सो फाइनली हम अभी अपने स्क्रीन पर आ चुके हैं, तो इस पेज का लिंक मैं सीधा नीचे डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, वहाँ पे आप क्लिक करोगे तो सीधा इस पेज पे आ जाओगे आप। ठीक है, तो सबसे पहले हम नोरिश के प्राइस के बारे में बात करते हैं। तो जैसे कि आपको देख रहा हूँ यहाँ पे USD में है, फिर INR में है, तो हम अपना INR देखेंगे, उसके बाद मंथली ईयरली सेलेक्ट कर सकते हो अपने हिसाब से आप। तो मेनली इसके 4 तरह के प्लान है, जिसमें से पहला है वो फ्री ट्रायल है, 14 दिनों का आपको फ्री ट्रायल मिलेगा, तो यहाँ साइन अप कर सकते हो। दूसरा प्लान है जो कि स्टार्टअप के लिए, अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, ऐसे कोर्स बना रहे हो, तो आप इस प्लान के साथ जा सकते हो, जिसमें आपको सारे प्लान इंक्लूडेड मिलेंगे, आपको सारी जो भी सारी चीज़ें चाहिए आपको एक कोर्स को बनाने के लिए, वो सारी चीज़ें इस ट्रायल इस स्टार्टअप वाले प्लान में मिलेगी आपको, जिसका प्राइस है 2900 रुपीज़ मंथ का, एक मंथ का प्राइस है ये। और तो तीसरा प्लान है वो है प्रोफेशनल, जिसमें कि सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, इसका प्राइस है वो 4999 रुपीज़ है एक मंथ का। और चौथा है वो है पावर, जिसमें कि सारी चीज़ें इंक्लूडेड है, जिसका प्राइस है तो 23,000 इन ए मंथ का है। ठीक है, तो ईयरली करोगे तो आप सस्ता पड़ जाएगा, आपको 2200 रुपये का पड़ेगा स्टार्टअप प्लान, और ये 4500 का पड़ेगा, और ये 19,550 रुपये का पड़ेगा। तो तीनों में से जो भी आपको सेलेक्ट करना है, वो हिसाब से आप स्टार्टिंग से अपने अकॉर्डिंग जो भी आपको लगता है उसके हिसाब से कर सकते हो, बट स्टार्टिंग आपको फ्री ट्रायल से करना है, ताकि आप थोड़ी इन चीज़ों को एक्सप्लोर कर सको, देख सको। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आप फ्री ट्रायल चूज़ कर लिया आपने, आपको अब बात करते हैं फीचर्स की। तो फीचर्स क्या मिलने वाला है, 14 डेज़ का जो फ्री ट्रायल मिलेगा आपको, 14 डेज़ का फ्री ट्रायल में 14 डेज़ का प्लान मिलेगा आपको। प्लान इंक्लूडेड कोर फीचर्स, बेसिकली कोर फीचर्स क्या है इनका, इस पर क्लिक करूँगा मैं, तो यहाँ पे ये सारी चीज़ें दिखा रहा, कोर फीचर्स अवेलेबल अक्रॉस प्लान, जितने भी इनके प्लान हैं उन सब में ये सारी चीज़ें फीचर्स जो है अवेलेबल हैं। तो ईजी ड्रैग एंड ड्रॉप वेबसाइट बिल्डर मिलेगा, जो कि वेबसाइट कैसे डेवलप करना वो मैं आपको बताऊँगा बाद में, तो बिल्कुल ईजी ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप सारी चीज़ों को चेंज करके कस्टमाइज कर सकते हो। प्री बिल्ड थीम मिलेगा आपको, एक वन क्लिक में आप सीधा अपने थीम को इंस्टॉल कर सकते हो। कोर्स बिल्डर मिलेगा, जो कि बहुत ही ज़्यादा आसान है। सुपर सिक्योर क्लाउड होस्टिंग मिलेगा आपको। ठीक है, अगर आप जैसे वर्डप्रेस के में बना रहे हो, तो आपको होस्टिंग चाहिए होगा, इसमें है ये होस्टिंग चाहिए होगा, बट यहाँ से आपको कोई होस्टिंग वगैरह जरूरत नहीं पड़ेगी आपको। इंटीग्रेटेड पेमेंट प्रोसेसिंग, स्टूडेंट मैनेजमेंट और नो ट्रांजेक्शन फी ऑन फ्री कोर्सेज। ठीक है, तो 14 डेज़ के ट्रायल में आपको फिर 3.95% ट्रांजेक्शन फी लगेगा, जो कि आपका पेड कोर्सेज पे लगने वाला है। मंथली पे आउट्स का जो भी आपकी अर्निंग होगी अपने कोर्सेज से, तो उसका आपको मंथली पे आउट ये लोग करेंगे आपको। बाकी आप अनलिमिटेड कोर्सेज को क्रिएट कर सकते हो। बाकी आपको कस्टमर CSS एंड JSA ऑप्शन मिलेगा। बाकी बात करें स्टार्टअप वाले प्लान में क्या मिलेगा आपको, तो प्री इंटीग्रेटेड पेमेंट सर्विस फॉर एक्सेप्टिंग पेमेंट्स ग्लोबली। मान लो जैसे कि आप इंग्लिश में कोर्सेज बना रहे हो, तो बाहर के लोगों को सेल करना चाहते हो, तो आपको पेमेंट ये तीनों प्लान में मिलेगा।
ग्लोबली आप एक्सेप्ट कर सकते हो अपने पेमेंट को। बाकी वो मंथली पे आउट्स मिलेगा, इसमें भी मंथली पे आउट्स है। अनलिमिटेड कोर्सेज क्रिएट कर सकते हो, कंडक्ट लाइव मीटिंग्स एंड वेबिनार्स कर सकते हो, जो कि 500 स्टूडेंट्स के साथ में आप कर सकते हो। ठीक है, वन कनकरेंट लाइव सेशन कर सकते हो। कनकरेंट लाइव सेशन बेसिकली होता क्या है, जैसे कि मान लो आपके दो बैचेस अलग अलग हैं, तो उन दोनों बैचेस के एक साथ में आप लाइव सेशन कर सकते हो, जो कि अमेजिंग फीचर है। तो एक बार ऐसा कर सकते हो, लाइव इवेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। फिर अनलिमिटेड वीडियो होस्टिंग कर सकते हो, बहुत सारे वीडियोज़ को अपलोड कर सकते हो। कस्टम डोमेन विद फ्री SSL सर्टिफिकेट मिलेगा आपको। ऑनबोर्डिंग ट्रेनिंग सेशन मिलेगा। कस्टम पेमेंट गेटवे, जैसे कि आपका स्ट्राइप हो गया, पेपाल हो गया, रेजर पे हो गया, तो ये सारे आपको पेमेंट गेटवे मिलेंगे। असेसमेंट का ऑप्शन मिलेगा आपको। यहीं से आप ब्लॉगिंग भी कर सकते हो, जो भी आपको लगता है कि आपके कोर्स से रिलेटेड आप ब्लॉग भी बनाना चाहते हो तो ब्लॉग लिख सकते हो। हिंदी इंग्लिश जो भी आपको चाहिए वो आपके हिसाब से कर सकते हो, आप ब्लॉग भी बना सकते हो यहीं से। अर्निंग एनालिटिक्स आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, और बात करें फिर तीसरे प्लान में, प्रोफेशनल वाले में, प्लान इंक्लूड्स एवरीथिंग इन स्टार्टअप और प्री इंटीग्रेटेड पेमेंट सर्विस फॉर एक्सेप्टिंग ग्लोबली। सेम वही चीज़ है, इसमें भी वीकली पे आउट्स मिलेगा। इसमें आपको डिफरेंस बताऊँ क्या है, वीकली पे आउट्स मिलेगा इसमें। ठीक है, इसमें वीकली पे आउट्स है, बाकी अनलिमिटेड कोर्स है। कंडक्ट फिर इसमें भी 500 का ही है, और वन कॉन्करेंट ही मिलेगा। लाइव इवेंट कर दो। जिपिर इंटीग्रेशन मिलेगा। बेसिकली जिपिर क्या है, जिपिर ये टास्क मैनेजमेंट टूल है, मतलब इससे काफ़ी सारे टास्क वगैरह को मैनेज कर सकते हो आप। ठीक है, असेसमेंट्स का ऑप्शन मिलेगा आपको। ड्रिप कॉन्टेंट इज नथिंग बट यू कैन शेड्यूल योर ओन कोर्सेस। लाइक जो भी आपका कोर्सेस है उसको आप शेड्यूल कर सकते हो पहले से। अगर आपको सिंपल से भाषा में समझाऊँ ड्रिप कॉन्टेंट का मतलब, तो मतलब कि आप अपने कोर्स का शेड्यूल कर रहे हो। ठीक है, शेड्यूल कर रहे हो, उससे पहले आप चार्ज वगैरह कर सकते हो, तो ये ड्रिप कॉन्टेंट का मतलब होता है। अप टू 5 ऑथर्स एंड एडिटर्स को आप ला सकते हो इसमें। ठीक है, और कोर्स कंप्लीटेशन का सर्टिफिकेट भी आपको बनाए मिलेगा। आपको अपना सारी चीज़ें करना होगा, अपना ऐसा लिखना पड़ेगा सर्टिफिकेट, आपके जो स्टूडेंट्स हैं वो डाउनलोड कर सकते हैं। ब्लॉगिंग का ऑप्शन इसमें मिलेगा। कस्टम पेमेंट सेम वही चीज़ें, इसमें आपको ट्रैफिक एनालिटिक्स मिल जाए, कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग कहाँ पे, क्या सारी चीज़ें हो रही है, पूरा एनालिटिक्स देखने को मिलेगा। ठीक है, बाकी बात करें पावर वाले में, तो पावर वाले में बेसिकली क्या है, इसमें भी सेम वही चीज़ है, इंटीग्रेटेड पेमेंट सर्विसिंग, पेमेंट ग्लोबली, डेली पे आउट्स। इसमें खासियत ये है कि आपको डेली पे आउट्स मिलेंगे, क्योंकि डेली पे आउट्स बेसिकली क्या होता है, जो भी आपके काफ़ी सारे स्टूडेंट हैं आपके, तो ये आपके लिए है। ठीक है, बाकी इसमें और कुछ खासियत है कि कंडक्ट, फिर वही भी 500 का लिमिट है इसमें भी। ठीक है, इसमें आपको दूसरा ऑप्शन जो फ़ायदा मिलता है, 2 कनकरेंट लाइव सेशन कर सकते हो आप इसमें। जेपी इंटीग्रेशन इसमें भी है, सिंगल साइन ऑन बेसिकली क्या होता है, सिंगल साइन ऑन का मतलब, जैसे कि आपने जैसे लिंक्डइन, ट्विटर पे इंस्टा, अगर आप कभी लॉगिन करने जाओगे वहाँ पे क्लिक करोगे, तो वहाँ पे गूगल अकाउंट के थ्रू आप कर सकते हो, मतलब एक क्लिक में आए कहीं से भी लॉगिन वगैरह कर सकते हो, आप साइन इन कर सकते हो कहीं से भी। तो इसका मतलब साइन इन होते हैं, सिंगल साइन इन ये का मतलब ये है। बाकी ये फुल वाइट लेबलिंग कर सकते हो आप इसमें। ठीक है, तो ये भी बहुत अच्छा फीचर है। अप टू 50 ऑथर्स को आप ऐड कर सकते हो, जैसे मैंने आपको बताया कि ये मतलब कि अगर आपके बहुत बड़ी नंबर है आपका लर्नर्स का, तो आपके लिए ये चीज़ है। कस्टम पेमेंट गेटवे वही सेम चीज़ है इसमें भी, स्ट्राइप, पेपल, रेजर पे, बाकी ट्रैफिक एनालिटिक्स वो इसमें भी देख सकते हो आप। तो बेस्ट ये है कि आप स्टार्टअप प्लान के साथ में जाओ, अगर आप स्टार्टिंग कर रहे हो तो। ठीक है, यहाँ से आप साइनअप कर सकते हो। बाकी बात करें, दो चीज़ें बात कर ली मैंने, प्राइस और फीचर्स के बारे में। अब बातें करते हैं हम इसके, किस तरीके से इसका डैशबोर्ड काम करता है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो अभी चलते हैं हम डैशबोर्ड पेज पे, साइनअप कर लेता हूँ फटाफट से मैं। तो बेसिकली ये वो पेज है जो कि मैंने अभी डेमो के लिए बनाया हुआ है, इसको मैं एडिट करूँगा अभी अच्छे से, जब एडिट वाले सेक्शन में हम आएंगे आपके सामने करके दिखाऊंगा, इसलिए मैंने अधूरा छोड़ रखा है इसको। ठीक है, तो और फिर हम चलते हैं डैशबोर्ड में सबसे पहले, तो यहाँ पर क्लिक करूँगा मैं। तो ये बेसिकली ये इनका डैशबोर्ड है, मेन डैशबोर्ड है इनका। ठीक है, तो यहाँ से आप इनका दिख रहा है वेलकम रोहित। उसके बाद यहाँ पे क्या कर सकते हो आप, सबसे जो मेन इंपॉर्टेंट है स्टार्टअप वाले सेक्शन में, आपको यहाँ पे मिलेगा मेन चीज़ है क्रिएट योर फर्स्ट कोर्स। कोर्स कैसे बनाना है आपको, यहाँ पे सारी चीज़ें आपको मिलेगी। स्टार्टअप वाले प्लान मतलब कि अगर आप कोर्स क्रिएट कर रहे हो, तो ये वाला सेक्शन आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आपको बिल्ड योर वेबसाइट कैसे बिल्ड करना है आपको। ठीक है, ये भी मैं आपको बताने वाला नेक्स्ट वीडियोज़ में। पर्सनलाइज योर डोमेन नेम कैसे सेटअप करना है, सारी चीज़ें कैसे करनी है, वो नेक्स्ट वीडियोज़ में आएंगे आगे वीडियोज़ में। अपलोड योर कस्टम ब्रांडिंग मतलब कि लोगो और बाकी सारे पेजेस, अलग अलग पेजेस के लिए अलग अलग कस्टम डोमेन और कस्टम आपका लोगो वगैरह होगा, लोगो होगा, बैनर होगा, तो वो आपका यहाँ से अपलोड कर सकते हो। कैसे करना बताऊँगा आपको, कैसे बनाना वो भी आपको बताऊँगा मैं। क्रिएट योर टर्म्स एंड पॉलिसीज, टॉप अपने टर्म्स एंड पॉलिसीज को आप यहाँ से बना सकते हो। ठीक है, एड अदर एडिशनल फंक्शनलिटीज डाल सकते हो यहाँ से आप। ठीक है, इंटीग्रेट कर सकते हो। बाकी इनका लर्निंग का है, अगर आप कुछ भी लर्न करना चाहते हो इनके बारे में, तो यहाँ पे है। बाकी लर्न मोर एंड आस्क क्वेश्चंस,
ठीक है, यहाँ पे काफ़ी सारे आपको ट्यूटोरियल्स वगैरह मिल जाएंगे। तो बेसिकली ये इनका पहला डैशबोर्ड है जो कि हमारे काम का है, बाकी सारी चीज़ें देखते हैं। यह है कोर्स का सेक्शन, जहाँ भी आप जितने भी कोर्सेज, मान लो आपने 3 कोर्सेज 4 कोर्सेज बना रखे हैं, तो यहाँ पे आपको कोर्सेज का नाम दिखेगा और किस तरीके से, मतलब सारा यहाँ पे आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ पे बंडल बना रखा तो बंडल दिखेगा, लाइव सेशन आपने करा तो लाइव सेशन दिखेगा, कोर्स कैटेगरीज आपने अलग अलग बना रखे हैं, ये फैशन का है, ये हेल्थ का है, ये किसी और चीज़ का, तो अलग अलग कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिलेगा कोर्सेज वाले सेक्शन में। बाकी बात करें यूज़र की, यूज़र वाले सेक्शन में बेसिकली यहाँ पे आपको पूरा एनालिटिक्स दिखाएगा कि कितने लोग आ रहे हैं, कितने लोग जा रहे हैं, क्या डेली आ रहे हैं, क्या मंथली आ रहे हैं, तो साइनअप कितने कर रहे हैं, सब कुछ आपको यहाँ पर दिखाएगा। एनालिटिक्स का भी मतलब यही है बेसिकली, यूज़र इंगेजमेंट क्या है, ट्रैफिक कैसे आ रहा है, ठीक है, तो यूज़र में ही आ जाता है सारी चीज़ें। उसके बाद बात करें हम, उसके बाद आता है ट्रांजेक्शन वाला सेक्शन। तो ट्रांजेक्शन वाले सेक्शन में काफ़ी सारी चीज़ें जैसे कि अर्निंग हो गया आपका, ठीक है, कि कितना अर्न कर रहे हो आप, कि अपने कोर्सेज कितना आपका सेल हो रहा है कोर्सेज, ठीक है। उसके बाद रिफंड कितना आ रहा है, कि कुछ कुछ लोग होते हैं रिफंड पॉलिसी आपके, वो तो पॉलिसी में आपके होगा कितना आपका रिफंड है, सारी चीज़ें आपको पे आउट कितना जा चुका है, ये सब कुछ आपको इस वाले सेक्शन में मिलेगा। GST नंबर और कूपन्स वगैरह कितने कर रखे हैं आपने, क्या कितने कूपन्स को इंस्टॉल कर रखा है आपने, क्या कूपन जरूर, क्या कूपन से सेल आ रहे हैं, तो ये कूपन वाले सेक्शन में आपको मिलेगा, ठीक है। कूपन वगैरह भी क्रिएट कर सकते हो, ऐसे कैसे क्रिएट करना आगे चल के बताऊंगा। और बाकी नेक्स्ट चलें तो प्लान एंड बिलिंग में, जो कि मैंने आपको दिखा दिया, वहाँ से वही वाला पेज खुल जाएगा, जो मैंने पेज अभी आपको दिखाया वो वाला पेज चला जाएगा यहाँ से। उसके बाद वेबसाइट बिल्डर में काफ़ी सारी चीज़ें आती है, जैसे कि पेजेस वगैरह बना सकते हो, अलग अलग ब्लॉग पोस्ट बना सकते हो, मेन्यू मैनेजर है, साइट सेटिंग है, फाइल मैनेजर है, थीम है, यहाँ पे कस्टम कोड बना सकते हो, सेटिंग है, आइडेंटिफाई एंड एक्सेस में नीड मोर कोर्सेज पब्लिशर, तो ये अपग्रेड के लिए कह रहे हैं बेसिकली। तो मेन जो पहला जो इनका मेन जो सबसे हमारे लिए मेन इंपॉर्टेंट है वो है हमारा स्टार्टअप वाला सेक्शन। यहीं से हमारा जो भी सारी चीज़ें हमको मैनेज करनी है वो सब कुछ यहाँ से मैनेज हो जाएगा, ठीक है। तो बेसिकली ये इनका सिंपल सा डैशबोर्ड है, काफ़ी कोई ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, बहुत सिंपल है, ठीक है, आसानी से सब कुछ हम कर सकते हैं। तो आपको सारी चीज़ें मैं बाकी नेक्स्ट वीडियो में बताऊँ कैसे आपको अपना वेबसाइट का पेज क्रिएट करना है, देन आपको किस तरीके से अपना खुद का कोर्स स्टेप बाय स्टेप पब्लिश करना है, किस तरीके से कंटेंट डालना है उसमें, कैसे सारी चीज़ें करनी है, ठीक है। सो आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलो फिर आपने इसे समझ लिया कि क्या मतलब नोरिस कितना अमेजिंग प्लेटफॉर्म, राइट, इसकी प्राइसिंग क्या, इसके फीचर्स क्या है और किस तरीके से पूरा डैशबोर्ड काम करता है, मैंने आपको स्टेप बाय स्टेप करके दिखाया। तो नेक्स्ट वीडियो के लिए रेडी हो जाओ, जहां मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आपको अपने पूरा वेबसाइट क्रिएट करना है आपके इस कोर्स के लिए, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो को इंतजार करो, और अगर आप अभी तक व्हाट्सएप ग्रुप पे ज्वाइन नहीं हुए तो ज्वाइन हो जाओ, और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा सब्सक्राइब, नहीं ना तो कर दो सब्सक्राइब करो चैनल को, लाइक करो इस वीडियो को, और अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, ठीक है। तो चलो फिर, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस, विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, योर्स ट्रूली रोहित विले।